देखिए बच्चों, आप सर के क्लास में स्वागत है। अगला जो प्रायिकता का कॉन्सेप्ट है, आज अगले पार्ट में पीछे के जो तीसरा पार्ट है बच्चों, आज सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में वो कंफ्यूजन बच्चों को रहता है जब कह देता है कि अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 संडेज, 53 संडेज एंड मंडेज, 53 संडेज और 53 मंडेज। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। इसका मतलब हुआ है कि एक लीप वर्ष, अधिवर्ष, लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, लीप वर्ष अधिवर्ष एकाएक एट रैंडम चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। तो उसकी प्रायिकता क्या है कि 53 रविवार हो, 53 रविवार हो। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि एक लीप वर्ष अधिवर्ष एकाएक चुना जाता है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडेज 53 रविवार हो, 53 रविवार और मंडे हो, 53 रविवार और मंडे सोमवार हो, 53 रविवार या 53 मंडे हो, 53 रविवार और मंडे, रविवार और सोमवार हो, 53 रविवार और सोमवार दोनों होने चाहिए, 53 रविवार और सोमवार दोनों 53 हो। इसमें या तो 53 संडे हो या 53 मंडे हो, या तो 53 रविवार हो या 53 सोमवार हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं बच्चों, जब प्रोबेबिलिटी में आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तर तो मिल जाता है उसको, किसी का 1/3 मिल जाएगा, किसी का 2/7, किसी का 3/7, सबका अलग अलग आंसर होगा, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है तो आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, जब लीप वर्ष कहता है, अधिवर्ष लीप वर्ष, तो लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं। ऐसे सामान्य जो जनरल ईयर्स होते हैं, सामान्य वर्ष उसको कहते हैं ना जिसमें ना 365 डेज होते हैं, उसे सामान्य वर्ष कहेंगे, जनरल ईयर्स। और लीप वर्ष उसे कहेंगे जिसमें 366 दिन हो। तो लीप वर्ष का मतलब क्यों, तो लीप वर्ष में जो फरवरी होता है, फरवरी वो होता है 29 डेज का लीप में, लीप में, और सामान्य में 58 होता है, इसीलिए एक दिन ज्यादा कम हो जाता है। तो हमको लीप वर्ष कह रहा है तो कुल डेज कितने हुए बच्चों, डेज हो गए 366, 366 डेज हो गए। क्यों क्यों, क्योंकि कह रहा है कि लीप वर्ष में लेना है, एकाएक लिया गया है, लीप वर्ष आ गया है, कोई भी वर्ष लीप वर्ष। अब इसमें कह रहा है कि 53 संडे हो। अब ए बनाते हैं, पहला बनाते हैं ए नंबर, ए का सोल्यूशन कि एक लीप अधिवर्ष, इसको हिंदी में अधि कहते हैं, लीप वर्ष चुना जाता है। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है कि 53 रविवार हो, 53 रविवार हो। तो बच्चों क्या होता है कि रविवार 7 दिन पर आता है, कोई भी दिन रिपीट कब होगा, एक वीक में वही दिन आता है। तो एक रविवार, 53 हमको चाहिए रविवार, संडे, एक संडे 7 दिन पर आता है, 7 दिन पर वही दिन रिपीट होता है। तो 7 से भाग देंगे ना तो पता चल जाएगा कि कितना रविवार आएगा। तो इसको 7 से भाग दे देते हैं, 7 से भाग क्यों देते हैं, देखिए रीजन समझिए, 366 क्यों लिए, लीप वर्ष कह रहा है, लीप वर्ष कह रहा है, लीप ईयर, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसलिए 366 दिन ले लिए। 7 से भाग इसलिए दे रहे हैं कि 7 दिन पर संडे आता है, कितना संडे आ रहा है इसमें, 7 दिन पर संडे, संडे तो मान लीजिए 2 बार में कटेगा तो 2 संडे आएगा, 14 दिन रहता तो 366 दिन में कितना 7 मिलेगा, 1/7 का मतलब 1 संडे, 7 डेज पर 1 संडे मिलेगा। तो 7 से भाग देते हैं तो 7×5=35, तो यहां से बच्चों ये कट जाएगा, 1 बचेगा 16, 7×2=14, शेष बचेगा 2 डेज रिमेन बचेगा। अब देखिए 52 आपको संडे मिलेगा बच्चों, 52 क्या मिल जाएगा, संडे, 52 पेयर तो बन जाएगा। अब 2 दिन ऑड हो गया, हमको चाहिए 53, ध्यान दीजिएगा यही सीखना है कॉन्सेप्ट। आपको 52 तो मिलेगा, 366 में 52 वो कंप्लीट होगा, लेकिन 2 डेज जो बचा उसको भी हमको क्या संभावना है कि संडे हो जाए, प्रोबेबिलिटी में संभावना निकालना है तो क्या हो जाए। तो देखिए जो 2 दिन बचता है ना बच्चों, ये तो आप गॉड हो रहे हैं कि क्या बचेगा, कुछ भी बच सकता है। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस माने एनएस क्या होगा, एनएस, एनएस का मतलब कि क्या क्या हो सकता है 2 दिन,
नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो दो दिन बचता है ना, जो दो दिन बच गया, मान लीजिए हफ्ते में दो दिन बचेगा, अरे सोमवार मंगलवार बुधवार जो सेवन डेज होता है, संडे मंडे ट्यूजडे सैटरडे, उसी में से कोई दो दिन बचेगा तो दो दो दिन का कुछ भी पेयर हो सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां लिख लेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब टोटल माने क्या क्या हो सकता है, कितने आउटकम हो सकते हैं, कितने आउटकम, तो सेवन आउटकम हो सकते हैं। दो दो का पेयर हम बनाएंगे कि आखिर ये जो दो दिन बचता है क्या क्या हो सकता है। तो संडे मंडे बच सकता है, क्या बच सकता है बच्चों, संडे मंडे, अरे संडे मंडे दो दिन जो बचा है, हो सकता है संडे मंडे हो, या हो सकता है मंडे ट्यूजडे हो, या हो सकता है कि ट्यूजडे वेडनेसडे हो, दो दो दिन, या हो सकता है कि वेडनेसडे थर्सडे हो, या हो सकता है कि थर्सडे फ्राइडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, या हो सकता है कि फ्राइडे सैटरडे हो, या हो सकता है सैटरडे संडे हो, संडे हो, ये समझ जाइए, ये हो गया संडे हो, संडे क्या क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यही सात पॉसिबिलिटी बनेगा। देखो बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि जब आप सात से भाग देते हैं तो दो दिन तो और बच विषम हो गया इस, अरे सात सात दिन पर तो ये तो संडे आ जाएगा, 52 संडे कंप्लीट हो जाएगा, आ 53वां भी संडे चाहिए ए का सोल्यूशन करने के लिए, तो 53 संडे चाहिए कि 53 संडे हो, तो संडे चाहिए कि संडे हो, तो दो दिन जो बचेगा, जो दो दिन बचेगा उसमें एक भी संडे रहेगा दो दिन में, तो वो 53 पूजा कर देगा दो संडे, तो आपके पास जो दिन बचा है वो यही हो सकता है, दो सात दिन में जो दो दिन बचेगा तो वो दिन या तो सोमवार रविवार सोमवार हो सकता है दो दिन, या मंगल और सोमवार हो सकता है, माने मंडे और ट्यूजडे, माने कोई दो दिन हो सकता है। अब हमको क्या चाहिए, संडे, तो संडे जिसमें होगा वहीं लेंगे, एक एक का मतलब एक इवेंट कितनी हो जाएगी, इवेंट ये एस है, आ एनएस कितना हो जाएगा बच्चों, ये एस है, तो एनएस लिखते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जितना है एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात गो संभावना है, दो दिन जो बनेगा ना उसका दो दो का पेयर सेवन डेज में सात गो बनेगा, अरे सात दिन होता है और दो दो का भी बनाएंगे तो सात गो बनेगा, यही संभावना, इसी में से कोई दो शेष बच सकता है। अब इसमें ए बनाने के लिए एक एक की घटना कितना होगी, एनएस तो सात हो गया, अब ए कह रहा है, ए का आंसर लिखते हैं, ए कह रहा है संडे होना चाहिए, माने 52 तो कंप्लीट है, एक और संडे मिल जाए दो दिन में, तो एक इवेंट जो हो जाएगी बच्चों वो होगी जिसमें एक संडे हो, इसमें एक संडे है एसएम ले सकते हैं, इसमें संडे नहीं, इसमें संडे नहीं, इसमें संडे नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ले सकते हैं सैटरडे या संडे, क्यों ले सकते हैं, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 52 तो कंप्लीट है, इस दो दिन में एक संडे है तो 53 संडे पूछ जाएगा, इस सैटरडे और संडे है, सैटरडे और संडे है, रविवार और शनिवार है, तो एक रविवार मिल जाएगा 53 पूछ जाएगा, तो दो गो मिला, कौन गो में, सात गो में, तो आपका एन ई कितना हो गया, एन ई हो गया 2, तो इसीलिए ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन ई बटा एन एस 2/7 आंसर हो जाएगा, 2/7, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/7 आंसर हो जाएगा 2/7, क्योंकि दो दिन ऐसा है जिसमें संडे बच रहा है शेष में, जो पेयर बना है दो दिनों में दो गो मिल रहा है, कौन गो बन रहा है आउटकम, सात गो, तो सात गो में दो गो ऐसा है जो संडे दे सकता है दो दिन, तो 53 हो जाएगा। अब बी कहता है, अब देखिए बी बनाते हैं, अब ए तो बन गया कि 2/7, क्योंकि दो क्या है, दो ऐसा है इसमें सात में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जो प्रतिदश समष्टि है, टोटल पॉसिबल आउटकम है उसमें दो जो है कि संडे मंडे या संडे सैटरडे संडे, मैंने एक संडे मिल रहा है इसी दो में, तो दो गो हो गया इवेंट, और टोटल सात गो में, तो 2/7 इसका आंसर होगा। 53 कहेगा तो 2/7 कैसे हुआ, तो 52 गो तो मिल जाता है, एक के लिए हमको प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है, एक खातिर 52 गो तो कंप्लीट मिलेगा 366 दिन में, एक के लिए संभावना निकालना पड़ेगा, तो एगो और हो जाओ कि 53 पूछ जाओ, तो एक आने का इतना है, तो यही प्रोबेबिलिटी है आपका 53 पूजाने के लिए, एक ही के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं, एक इसमें मिल जाएगा या इसमें मिल सकता है। अब दूसरा कह रहा है बी, बी का उत्तर लिखते हैं बच्चों, कह रहा है 53 संडे और मंडे
संडे और मंडे होता, 52 को तो संडे मंडे मिल जाएगा क्योंकि 52 हफ्ता है, तो उसमें एक हफ्ता में एक संडे एक मंडे होगा। अब संडे मंडे दोनों वाला लेना है, ऐसा लेना है एंड है, एंड का मतलब कि दोनों हो संडे मंडे, तो संडे मंडे इसमें है, संडे मंडे इसमें है, और किसी में संडे मंडे नहीं है, संडे है तो मंडे नहीं है, दोनों होना चाहिए, एंड का मतलब दोनों होना चाहिए, तो एक है, तो हमारा एनई कितना हो गया, एनई हो गया बच्चों एक, आ एनएस है सात, तो 1/7 हो जाएगा। तो संडे और मंडे, सोमवार और रविवार, 53 पूछे ना कि 53 सोमवार और रविवार हो या कोई भी दो दिन दे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7, क्योंकि एक ही इसमें मिल रहा है जिसमें संडे और मंडे दोनों हो, और टोटल कितना है 7 है, तो 1/7 होगा, 1/7 होगा, क्योंकि इतना में एक ही चीज है, एक ही है जो कि दोनों रिजल्ट दे रहा है संडे और मंडे, और 7 को है तो 1/7। सी अगर बनाएंगे बच्चों, सी का बनाते हैं तो कह रहा है वैसी घटना लिखना है जिसमें संडे या मंडे, संडे हो या मंडे हो, कोई एक, सिर्फ संडे वाले भी लेंगे या मंडे वाले भी ले सकते हैं, संडे या मंडे हो, दोनों वाले तो ले लिए, एक संडे या मंडे, या का मतलब क्या होता है, या का मतलब होता है बच्चों कि ये कह रहा है ना, या तो 53 संडे हो संडे वाला ले लीजिए, या 53 मंडे हो वो ले लीजिए, माने संडे या का मतलब सिर्फ संडे रहेगा वो भी लेना है, सिर्फ मंडे रहेगा वो भी लेना है, दोनों रहेगा तो लेना ही लेना है, तो इसमें हो जाएगा एक संडे मंडे, अरे 53 संडे पूजा देगा, ये 53 मंडे भी पूजा देगा, कोई एक, या एम टी मंडे है तो मंडे पूजा देगा एम टी, या एस एम एक भी रहेगा तो लेना, या है, और दोनों का मतलब दोनों रहता तब लिखे, एंड का मतलब, या का मतलब कि कोई एक भी रहेगा तो ले लेना है, तो इसमें एम है ले लिए, इसमें दोनों था तो लेवे करेंगे, संडे मंडे का कह रहा है कोई एक, दोनों इसमें नहीं है, कोई ना संडे है ना मंडे है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है सैटरडे और संडे, में एक संडे मिल जाएगा, तो टोटल कितने हुए, एन ई जो हो गया बच्चों, एन ई 3 हो गया, कितने हो गए 3 हो गया, संडे या मंडे पूछे कि रविवार या 53 होने की परीक्षा क्या है, तो 3 हो गया, 1, 2, 3 कब में 7 गो में, तो 3/7 हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/7। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझने की कोशिश करें, समझ गए होंगे कि जो एक लीप ईयर में जब ऐसा क्वेश्चन दे दे 53 रविवार हो संडे हो मंडे हो ट्यूजडे कुछ भी कहे, यही लिख दीजिएगा, 2 शेष बचेगा, तो आ जब सामान्य वर्ष कहेगा तो 1 बचेगा, जब 1 बचेगा ना बच्चों तो कोई एक दिन हो सकता है, एक एक, या तो संडे या मंडे या ट्यूजडे, एक एक का पेयर लिखेंगे 7 को, वो भी 7 होगा लेकिन अकेले अकेले संडे या मंडे, तो वो और ईजी हो जाएगा, जब सामान्य वर्ष कहेगा लीप कहेगा तो ऐसे, अब यहाँ सैटरडे फ्राइडे कह दे तो थर्सडे या फ्राइडे THIF या THEIF दोनों हो या THF वाला हो, इसी आधार पर आप सब बना लेंगे, कोई भी सामान्य वर्ष लीप वर्ष वाला, यदि आपको कंफ्यूज होता होगा कि 3/7 क्यों लिखता है 7 क्यों लिखता है, तो आज हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर एक बनता है लाइक ठोके और शेयर जरूर करें, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।